सात चरणों में होने वाला यूपी विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और सभी सियासी दलों के साथ ही जनता की निगाहें 10 मार्च को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। आखिरी चरण के मतदान के बाद सोमवार को आए विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार का दावा किया। एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सीटें तो बढ़ रही हैं, लेकिन वह सत्ता से दूर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एग्जिट पोल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही राजभर ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की। राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश सपा सुभा सपा गठबंधन आ रही है, टेलीविजन पर ध्यान न दें, क्योंकि जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ईवीएम मशीन पर हमेशा हमारा ध्यान है। गौरतलब है कि 2022 में बसपा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले राजभर ने 2017 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। राजभर के अलावा सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी एग्जिट पोल के दावों को खारिज किया है। रामगोपाल यादव का कहना है कि एग्जिट पोल डॉक्टर्ड होते हैं, उन्हें 10 मार्च को आने वाले वास्तविक नतीजों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से ईवीएम मशीन की सुरक्षा की अपील की है। रामगोपाल यादव ने कहा कि उम्मीदवार और कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक मतगणना कराएं और 10 मार्च को विजय पताका फहराने के लिए तैयारी करें। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि एग्जिट पोल्स द्वारा दिखाई जा रही तस्वीर आभासी, भ्रामक और अविश्वसनीय है। जनता इसके पीछे की मंशा को बहुत अच्छे से समझ रही है। समाजवादी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। प्रत्याशी व कार्यकर्ता मतगणना तक सतर्क व सक्रिय रहें, निश्चय ही सफल